जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर कि रिलेशन भर्ती का जो पेपर है क्या होगा, बढ़ गया क्या हो गया। पहले तो खबर थी कि 31 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, लेकिन बाद में एक नोटिस वायरल हुआ और उस नोटिस में वायरल पे लिखा था कि 31 अक्टूबर की डेट पोस्टपोन कर दी गई है, अब नई डेट आपकी घोषित की जाएगी। लेकिन आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। 31 अक्टूबर आर्टिलरी सेंटर नासिक का एक लेटर जो वायरल हुआ था, उस पर जब मैंने जांच पड़ताल की है, बड़े अधिकारियों से जब कन्वर्सेशन की है, तो उन्होंने बताया कि ये लेटर बिल्कुल सही है। आपके जो पेपर है आरटी सेंटर का नासिक का, क्योंकि आप जानते हैं कि आरटी दो बड़े सेंटर हैं, एक हैदराबाद एक नासिक, इनके सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं सेंटरों पे आती है। तो जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने पे पता चला कि ये लेटर बिल्कुल सही है और आपका जो पेपर है वो 31 अक्टूबर को ही कराया जाएगा। बस आगे 15 दिन जैसा शेष है अभी 31 अक्टूबर आने पे, आगे कोई भी विद कहते नहीं है कि कुछ अड़चन ना लग जाए, तो अगर कोई भी अड़चन नहीं आती है तो बिल्कुल ही आपका लेटर बिल्कुल सही है। मैंने जांच पड़ताल कर ली है अच्छे से, 31 अक्टूबर का ही पेपर कराया जाना तय हुआ है। बाद सबसे मेन बनता है कि आखिर तैयारी में क्या करें हम लोग, तो सबसे पहले बच्चों को बता दें कि आप लोग तैयारी करने का बहुत ही अच्छा टाइम आपको मिल चुका है। आप लगातार तैयारी अपनी कर रहे हैं, दो दो बार तीन तीन बार आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि इस समय रिविज़न करना है, आप अच्छे से रिविज़न करें। रिविज़न में एक भी पॉइंट अपना ना छोड़ें, जितना भी आपने पढ़ाई की है उसको पूरा पढ़ डालें, नए कंटेंट पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है ना कि आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ने वाला भी है, 6 घंटे पढ़ने वाला भी है, 8 घंटे पढ़ने वाला भी है। तो इस तरह से मेहनत सब कोई कर रहा है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसमें होगा 100 नंबर फिजिकल वालों का, जिनका 100 नंबर का फिजिकल होगा उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। दरअसल 88 नंबर वाले को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, 88 नंबर जिनका फिजिकल है वो लोग ज़्यादा मेहनत करें और पूरा तन मन धन एक कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं हुआ है। अगर यही आपने 15 दिन अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन जरूर श्योर हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि आपको एक टाइम टेबल अपना बना लेना है। टाइम टेबल बना के सभी विषय अपना सुचारू रूप से ढंग से बना लें कि हम मुझे इस तरह से पूरे पढ़ाई करनी है, अच्छे से पूरा रिवीजन कर डालें। कोई भी नया कंटेंट आपका कोई कठिन पेपर नहीं आएगा, हाँ बस ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत घुमावदार पेपर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि एक महीने का टाइम मिला होता तो 15 बच्चों अपने पढ़ाई की बाकी ऐसे रह जाते हैं। लेकिन इस बार सभी को टाइम मिल गया है तो सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है। जिनका 100 नंबर का फिजिकल है वो आप लोग अच्छे से मेहनत कर लें, 100 नंबर वाले फिजिकल का बिल्कुल कन्फर्म सिलेक्शन है, तो ये लेटर बिल्कुल सही है। और जैसे कोई जानकारी आती है तो हम अपने कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी चैनल पे तुरंत आपको सूचित कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।